रिटेल मार्केट में प्याज का दाम 50 से 60 रुपए किलो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? ज्यादातर किसान 900 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर प्याज बेचने को मजबूर है। असली फायदा बिचौलिए और रिटेलर उठा रहे हैं। किसानों को मिलने वाला यह रेट महाराष्ट्र का है, जो देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का न्यूनतम दाम सिर्फ 900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि मॉडल प्राइस की बात करें तो वो 1880 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। वहीं लासलगांव मंडी में लाल प्याज का न्यूनतम दाम तो सिर्फ 600 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मॉडल प्राइस 2020 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि न्यूनतम रेट और मॉडल प्राइस पर सबसे ज्यादा लोग बिक्री करते हैं, अधिकतम रेट पर बहुत कम लोगों का प्याज खरीदा जाता है। इसीलिए किसान को कितना मिल रहा है इसे जानने के लिए मिनिमम और मॉडल प्राइस देखना चाहिए। वहीं दिगोले का कहना है कि प्रति क्विंटल प्याज की लागत 17 से 18 रुपए आ रही है, क्योंकि डीजल, खाद और लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है। ऐसे में कम से कम 32 से 35 रुपए किलो का रेट मिलना चाहिए, वरना 9 रुपए से और 18 रुपए किलो के रेट पर तो किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती। वहीं देश का 40% प्याज तो महाराष्ट्र से ही आता है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर की बात करें तो नासिक इसका गढ़ है। वहीं दिगोले का कहना है कि किसानों के प्याज का रेट व्यापारी तय करते हैं। जिस दिन किसान खुद अपनी उपज का दाम तय करने लगेगा, उस दिन तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि किसानों को 30 रुपए किलो से कम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। अगर ऐसा किया गया तभी किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। वहीं किसानों का कहना है कि इतने कम रेट पर तो उनकी लागत भी नहीं निकल रही, क्योंकि डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है, खेत की तैयारी का अब खर्च भी बढ़ गया है, उर्वरकों के दाम आसमान पर है, खेतों में काम करने वालों की मजदूरी भी बढ़ी है। ऐसे में हमारी मेहनत का सारा मुनाफा बिचौलिए और रिटेलर खा रहे हैं। सरकार को इसके तरफ थोड़ी सा ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।